हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ जो और प्रीवियस क्वेश्चन है ये जो आए हुए हैं। देखिए, आप हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एरोमीटर का, हाइड्रोमीटर का? देखिए, हाइग्रोमीटर का उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हवा में नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर तरल के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। एरोमीटर हवा या अन्य गैसों का वजन, घनत्व आदि मापने का उपकरण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। धारा तत्व होता है एक अदिश राशि, एक सदिश राशि, विमा विहीन, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा एक सदिश राशि। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, चालक माध्य के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। यह एक सदिश राशि है जबकि धारा स्वयं एक अदिश राशि होती है। धारा घनत्व को जैसे प्रदर्शित करते हैं, इसका एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर क्यूब होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र है अदिश राशि या सदिश राशि, आयाम रहित राशि या उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर होगा सदिश राशि। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों निर्दिष्ट होते हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहा जाता है, जैसे विस्थापन, त्वरण आदि। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धाराओं और चुंबकीय सामग्री का चुंबकीय प्रभाव है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला है। एक टेस्ला एक वेबर वर्ग प्रति वर्ग वर्ग मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रसारित होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, इसलिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे हैं जिसमें माध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग देद्रीय है? अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, तो इसका आंसर होगा पराबैंगनी विकिरण। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, पराबैंगनी विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसमें दृश्य प्रकाश की तुलना में उच्च ऊर्जा स्तर और कम तरंग देद्रीय होता है। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर एक्सरे और दृश्य प्रकाश के बीच स्थित होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि हिमानी का आधार पर बर्फ में अशुद्धियां उपस्थित होती है, क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। हिमानी क्षय की उत्पत्ति ऐसे स्थानों पर होते जहां हिमपात की मात्रा हिम के छम से अधिक होती है और प्रतिवर्ष कुछ मात्रा में हिम अवशे अधिशेष के रूप में बच जाता है। वर्ष दर वर्ष हिम के एकमात्र एक ऋण से निचली परतों के ऊपर दबाव बढ़ता है और वे संघ हिम के रूप में
परिवर्तित हो जाते हैं। यही सग्न हिमानी अपने भार या दबाव के कारण ढालों पर प्रवाहित होता है, जिसे हिमनद कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? तो परम शून्य का मान -459.4 फारेनहाइट होता है। तो इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, फारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान 459.4 डिग्री फारेनहाइट होता है। फारेनहाइट मापक्रम एक ताप मापक्रम है जो 32 डिग्री फारेनहाइट पर जल के हिमांक और 212 डिग्री फारेनहाइट पर जल के कवतनाक पर आधारित होता है। इन दोनों तापमान के बीच के क्षेत्र को 180 बराबर भागों में बांटा गया है, अर्थात एक भार 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री फारेनहाइट के बराबर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? हरा, लाल, बैंगनी। तो इसका आंसर होगा बैंगनी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में बैंगनी रंग अधिकतम विचलित होता है। प्रिज्म एक प्रकार का ऑप्टिकल त्रिभुजाकार पारदर्शी आकृति है जो सपाट पॉलिश सतहों के साथ पारदर्शी होता है। जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने मूल 7 रंगों बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल में विभाजित होता है और त्रिभुज के आधार की ओर अपवर्तित होता है। प्रकाश का यह फैलाव उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है उसका परकिरण सबसे ज्यादा तथा जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है उसका परकिरण सबसे कम होता है। धातव्य है कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण उसका परकिरण अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, तो उसकी होती है नाभिक दूरी 2 सेंटीमीटर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, एक सामान्य नेत्र की नाभिक दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। आपतित समानांतर के द्वारा फोकस पर वस्तु की छवि बनाई जाती है। इसी छवि के रेटिना पर बनने के लिए फोकल लंबाई 2 सेंटीमीटर के लगभग होनी आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है पीला, नीला या बैंगनी? तो इसका आंसर होगा बैंगनी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, बैंगनी रंग का प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर सर्वाधिक अपवर्तित होता है। इसका कारण निम्नलिखित है। बैंगनी रंग की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है। बैंगनी रंग की प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक होती है जबकि इसकी गति प्रिज्म में न्यूनतम होती है। बैंगनी प्रकाश की गति न्यूनतम होने से प्रिज्म के कोणीय किनारे प्रकाश को प्रिज्म से बाहर निकलने पर और भी अधिक मोड़ने का कारण बनते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के प्रवेश करने पर इसके संचरण दिशा या मार्ग में विचलन उत्पन्न होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है ए मीटर वोल्ट मीटर का श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना, ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, विद्युत धारा के प्रवाह से संबंधित ओम के नियम में इसके सत्यापन के लिए ए मीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ओम के नियम के अनुसार यदि स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभांतर के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पोटेशियोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, वोल्टमीटर का। गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर दोनों का
किया जाता है तो उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर होगा डी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए विद्युत विभव को वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसी धनात्मक आवेश को अनंत में विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य WM आवेश के मान Q डिग्री के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक वोल्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह पर पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। अलग अलग त्वरण होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, तो इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, क्योंकि गुरुत्व आकर्षण के कारण उनका समान त्वरण होगा। किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, जबकि उस वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। द्रव्यमान सदैव नियत फिक्स रहता है, जबकि भार गुरुत्व त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है ईंधन के रूप में, ड्यूटेरानों के स्त्रोत के रूप में, मत्तक के रूप में, तो इसका आंसर होगा सी, मत्तक के रूप में। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग मत्तक के रूप में होता है, जहां पर न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में कार्य करता है, ताकि यूरेनियम 238 की तुलना में विखंडनीय यूरेनियम 235 के साथ प्रतिक्रिया करने की अधिक संभावना हो, जो विखंडन के बिना न्यूट्रॉन को पकड़ लेता है। भारी जल एक यौगिक है जो ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम से बना होता है, जो हाइड्रोजन का एक भारी आइसोटोप है। यह 2H या D दर्शाया हो जाता है। भारी जल को ड्यूटेरियस ऑक्साइड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा घटती है, बढ़ती है या स्थिर रहती है, तो इसका आंसर होगा स्थिर रहती है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अतः जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, क्योंकि जब कोई पिंड विश्राम अवस्था में उच्चतम बिंदु पर होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक और गतिज ऊर्जा शून्य होती है, लेकिन जब यह जमीन से टकराने वाली होती है तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। इस प्रक्रिया के दौरान कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए भूस्थिर उपग्रह घूमता है ध्रुवों के ऊपर किसी भी ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे किसी कृत्रिम ग्रह का वह वृत्तीय पथ जिस पर वह पृथ्वी के समान ही स्थिर ऊंचाई पर परिश्रम से पूर्व दिशा में घूर्णन करता है, तो ऐसे उपग्रह को स्थैतिक उपग्रह उपग्रह कहते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, तो इसका आंसर होगा बी, खड़े होने की स्थिति में। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए एक व्यक्ति खड़े होने की स्थिति में पृथ्वी पर अधिक वजन दबा सकता है, पृथ्वी पर डाला गया दबाव बल वजन तथा आरक्षित किए गए क्षेत्र के अनुपात की स्थिति में जब सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो भार अधिक होगा, जबकि लेटने और बैठने की स्थिति में क्षेत्रफल अधिक हो जाता है और व्यक्ति का भार समान रूप से वितरित हो जाता है, जिससे पृथ्वी पर भार कम लगता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग।
देखें, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं? केसी का क्रिया पर, पास्कल नियम पर, बर्नौली का सिद्धांत। इसका आंसर होगा बी, बर्नौली के सिद्धांत पर काम करती हैं। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। ये विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर एक प्रकार का कणिक उपकरण है जो स्प्रे के गठन में तरल के फैलाव की सुविधा प्रदान करता है। यह उपकरण बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी बहने वाले द्रव्य की कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा नियत रहती है। अर्थात जिस स्थान पर द्रव का वेग कम होता है वहां दाब अधिक हो जाता है और जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य क्रिया सबसे क्षीण है? तो वैद्युत चुंबकीय, स्थिर वैद्युत, गुरुत्वीय। तो इसका आंसर होगा गुरुत्वीय। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है। गुरुत्वीय आकर्षण एक आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है नरम लोहा, स्टेन लेस स्टील, एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर होगा नरम लोहा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री नरम लोहा है। कुंडली के अंदर का नरम लोहा चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत बनाता है क्योंकि कुंडली में करंट प्रवाहित होता है तो यह स्वयं चुंबक बन जाता है। इसके अलावा जैसे ही धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है यह अपना चुंबक तब खो देता है, यह अस्थायी चुंबक बनाता है। इस प्रकार बिजली के माध्यम से प्रेरित चुंबकत्व को चालू और बंद बटन को स्विच करके नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, किस तापमान पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है? तो क्यूरी तापमान पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, क्यूरी तापमान पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। क्यूरी तापमान वह तापमान है जिस पर एक चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुणों में तेजी से बदलाव करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। यह पूरी तरह से मुख्य कण नहीं है बल्कि यह अस्थायी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, डायोड को प्रयोग में लाया जाता है दिष्टकारी के रूप में। किसके रूप में? दिष्टकारी के। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, डायोड को दिष्टकारी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। डायोड का निर्माण अर्धचालकों से किया जाता है।